हेलो फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन डीलर्स के एनुअल रिटर्न के बारे में जो उनको फॉर्म GSTR-9A में भरना है। इस रिटर्न में डेटा को किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है, कैटेगराइज करना है, क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकली। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जो है वो बेसिक डिटेल्स मांगा है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, पीरियड जब आप कंपोजिशन स्कीम में थे ड्यूरिंग द ईयर। सपोज करो 2017-18 का आप एनुअल रिटर्न भर रहे हो, तो हो सकता है कुछ पीरियड के लिए आप कंपोजिशन में थे, कुछ पीरियड के लिए आप रेगुलर स्कीम में थे। तो जिस पीरियड के लिए कंपोजिशन स्कीम में थे वो पीरियड आपको मेंशन करना रहेगा, ये शायद ऑटोफिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना है ऑफ ऑल रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेम पैन। अगर आपका सेम पैन में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो सबका टर्नओवर इंक्लूड करके एग्रीगेट टर्नओवर यहां पे मेंशन करना रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डिटेल्स। अब आगे की स्लाइड्स में जो मेन डिटेल्स हैं उसमें हमें एक बात ध्यान रखना है। अभी हम 2017-18 का एनुअल रिटर्न भरने वाले हैं तो उसमें हमें सिर्फ जुलाई से लेके मार्च 2018 तक का डिटेल देना है, क्योंकि जीएसटी जुलाई 2017 से आया था, अप्रैल से जून का डिटेल हमें नहीं देना है। ओके, सो पार्ट टू इज ऑल अबाउट आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाइज, मतलब जितनी भी सेल परचेज है ना सबकी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम इसको, आउटवर्ड और इनवर्ड में। इनमें हमें देना होगा डिटेल वैल्यू ऑफ सप्लाई का, रेट ऑफ टैक्स आउटवर्ड सप्लाईज के केस में, और अमाउंट ऑफ टैक्स इन ईच हेड, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी है, आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाईज बोथ के केस में। हमें वैल्यू और टैक्स तो दोनों के केस में देना है, रेट ऑफ टैक्स सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के केस में देना है। ओके, आउटवर्ड सप्लाईज डिवाइडेड है दो पार्ट में। सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज, जो कि हमें नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट, नेट ऑफ एडवांसेस, नेट ऑफ गुड्स रिटर्न, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे देनी होगी। सेकेंड जो डिटेल है वो नॉन टैक्सेबल वालों की जाएगी, यानी कि एग्जेम्प्टेड नील रेटेड। अब कायदे से देखा जाए तो कंपोजिशन डीलर्स को तो एग्जेम्प्ट सप्लाई करना अलाउड ही नहीं है, बट बाद में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कुछ कुछ परसेंट के लिए अलाउ किया गया था, कुछ स्पेसिफिक पीपल के लिए, तो उनके केस में ये रिलेवेंट होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें हमें टोटल आउटवर्ड सप्लाईज मिल जाएगा, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल को हम जोड़ेंगे तो रिटर्न में ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा टोटल आउटवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होगा आरसीएम सप्लाईज जिसमें हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, ऐसे इनवर्ड सप्लाईज, ये भी दो तीन पार्ट में डिवाइडेड होगा। ऐसे आरसीएम सप्लाईज जो हमने रजिस्टर्ड पर्सन से लिए, ऐसे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से किए होंगे तो उसको हम यहाँ सेकंड डिवीजन में नहीं बल्कि थर्ड पार्ट में इंक्लूड करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सारे प्रकार के इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड होंगे। ओके, सो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ डिवीजन अंडर आरसीएम, और इससे हमें निकल जाएगा नेट टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज सप्लाईज, क्योंकि हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पटाना है, तो इन तीनों में जितने भी टैक्स आएगा ना उसका सम हो जाएगा नेट टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। इसके अलावा नॉन आरसीएम यानी कि नॉर्मल परचेजेस जो है उसको हमको अलग से दिखाना है, ये भी जो है दो कैटेगरी में डिवाइडेड होगा, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो हम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज। अब हम बात करते हैं पार्ट थ्री की, जिसमें हमें डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड देना है, यानी कि आपने जो जीएसटीआर 4 में अपने थ्रू आउट द ईयर डिक्लेयर किया है वही टैक्स यहाँ पे एग्रीगेशन होगा। टोटल टैक्स पेबल आपका कितना आया है साल भर में और टोटल टैक्स आपने पेड कितना किया साल भर में, अलग अलग हेड्स में वो यहाँ पे हमें फिल करना रहेगा। मूविंग ऑन विद पार्ट फोर विच इज ट्रांजेक्शन डिक्लेयर्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर आपका 17-18 का कुछ डिटेल्स सेल या परचेज जो भी है वो छूट गए थे, तो आपने अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 के बीच कुछ रिटर्न्स में अगर पिछला का डिटेल डिक्लेयर किया है तो वो डिटेल्स को आपको यहाँ पे शो करना है जो आपने डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया है बाद के GSTR 4 में। तो ये भी चार पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे आउटवर्ड सप्लाईज जो आपने डिक्लेयर किए थ्रू अमेंडमेंट प्लस डेबिट नोट्स, ऐसे आउटवर्ड सप्लाईज जो आपने रिड्यूस किए यहाँ पे आ जाएंगे वो, इनवर्ड सप्लाईज जो कि रिवर्स चार्ज के लिए लायबल थे वो आपने अगर बढ़ाए हैं डिक्लेयर किए बाद में तो उसकी डिटेल देनी है, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज आपने घटाए हैं बाद में तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। तो इस प्रकार से ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। इनका नेट जो है डिफरेंशियल अमाउंट कुछ कुछ आया होगा आपका, तो डिफरेंशियल अमाउंट कितना आया पेएबल और कितना आपने पेड कर दिया था उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी रहेगी। तो दिस इज पार्ट फोर। एंड फाइनली पार्ट फाइव विच इज अदर इन्फॉर्मेशन, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला डिमांड्स एंड रिफंड्स की हमें डिटेल देनी है, दूसरा डिटेल्स ऑफ क्रेडिट रिवर्स एंड क्रेडिट अवेल्ड की डिटेल देनी है, और तीसरा लेट फीस पेबल एंड पेड की डिटेल देनी है। एक एक करके डिस्कस करते हैं।
डिमांड्स एंड रिफंड जो है वो क्वाइट सिंपल है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहली बात रिफंड, जिसमें हमें टोटल रिफंड क्लेम की डिटेल देनी है, कितना हमने साल भर में क्लेम किया, उसमें से कितना हमें सैंक्शन हो गया यानी कि एक्सेप्ट हो गया, कितना रिजेक्ट हो गया और कितना अभी भी पेंडिंग बचा है, जिसको हमने अप्लाई तो कर दिया है बट ना ही सैंक्शन हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ। डिमांड्स की डिटेल हमें ऐसी देनी है कि टोटल डिमांड साल भर में कितना हुआ, उसमें से हमने कितना पे कर दिया और कितना अभी पेंडिंग चल रहा है। सो दिस इज डिटेल ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड्स। सेकेंड पार्ट इज डिटेल्स ऑफ क्रेडिट रिवर्स एंड क्रेडिट अवेल्ड। मतलब जब आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो आपका रेगुलर स्कीम में जो भी ITC था आपको रिवर्स करना पड़ता है, लैप्स करना पड़ता है। वैसे ही जब हम कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में जाते हैं तो हमें कुछ रिवर्स ITC जो है वो हम क्लेम कर सकते हैं, ITC 3 फॉर्म में, ITC 1 फॉर्म में, तो उसकी डिटेल हमें देनी है। जब हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं जो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी, और जो कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाते हैं जो क्रेडिट हमको मिलता है वो डिटेल हमें यहाँ देनी है। थर्ड पार्ट जो है वो लेट फीस पेबल एंड पेड, इसकी हमें सिंपल डिटेल दे देनी है। ध्यान ही रखना है कि ये लेट फीस जो है वो एनुअल रिटर्न की लेट फीस की बात हो रही है, यहाँ पे बाकी GST रिटर्न की बात नहीं हो रही है लेट फीस की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनुअल रिटर्न ऑफ कंपोजिशन डीलर्स। यू कैन सी इट्स क्वाइट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स, आई विल क्लियर इट। You should also check out our other videos. We have also made a video on the normal GST annual return to be filed by normal taxpayers. The link you can find here. Subscribe to our channel. If you like the video, give it a thumbs up. See you in the next presentation. Bye-bye.